तो दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर के पेट में जो बच्चा है उसका बाप और कोई नहीं, कमल हसन का कैरेक्टर यास्किन यानी कि कली है। और ये दोनों जो बंदे हैं ये है कोका और विकोका, कली के दो कमांडर। अब ये दोनों चीजें कैसे हुई और ऐसी और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो मैंने इस ट्रेलर में नोटिस की है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो डिटेल नंबर वन, हम लोगों को ट्रेलर की शुरुआत में पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शहर बचा हुआ है और वो शहर है काशी। और हमारी हिंदू हिस्ट्री और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग काशी ही वो पहला शहर था जो इस पूरी दुनिया में सबसे पहले एग्जिस्ट करता था, और कलयुग के अंत में जो आखिरी शहर होगा वो भी काशी ही होगा। डिटेल नंबर टू, इसी सीन में हम लोग यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रीमेट, जिसकी कीमत है 500 यूनिट। अब ये चीज पहले भी होती थी और आज भी होती है, जहाँ पर काशी, हरिद्वार और ऐसे और भी जो रिलीजियस शहर है उनमें जो नदी के किनारे तट बने होते हैं वहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार। डिटेल नंबर थ्री, ट्रेलर के अगले ही सीन में हम लोगों को पहला लुक देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स का। अब कॉम्प्लेक्स की डिजाइन पर ध्यान दे तो हम लोग यहाँ नीचे कुछ पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस चीज की इंस्पिरेशन कमल के फूल से ली गई हो, जहाँ पर पत्तियों के बीच से एक फूल निकल रहा हो जो कि कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको पहली बार देखने में लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जैसा कुछ है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है। अब मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम इसके आसपास की जगह को देखें तो उसके नीचे की जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और ये जो फेंसिंग वगैरह पड़ी है ये भी तिरछी लगी हुई है। तो ये सब कुछ टूटा फूटा होगा जब ये कॉम्प्लेक्स यानी कि स्पेसशिप यहाँ काशी में आई होगी। अब ये चीज और भी ज्यादा सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि कल की मूवी में एस्ट्रोनॉट, स्पेस स्टेशन, स्पेस साइंस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये जो पूरी जगह है जहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई होगी, जहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है एस्ट्रोनॉट का, ये पूरी जगह रेडर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करती है। और ये जो बड़ा सा स्टैचू है ये और किसी का नहीं बल्कि कमल हसन की कैरेक्टर यास्किन यानी कली का है। डिटेल नंबर फोर, ट्रेलर के अगले कुछ शॉट्स में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स के अंदर का लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर लिटरली पानी के झरने हैं और वो सब कुछ है जो बाकी के पूरे काशी में नहीं है। इवन इनके पास जो टेक्नोलॉजीज है वो भी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू जो बाकी के काशी के लोगों के पास है। डिटेल नंबर फाइव, ये वाला जो सीन है ये हम लोगों ने कल्कि के टीजर में भी देखा था, और इनको साइड बाय साइड कम्पेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें चेंज कर दी गई है। डिटेल नंबर सेवन, ट्रेलर के सीन में राया अश्वत्थामा से कहता है कि आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो, जिस पर अश्वत्थामा रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक जान बचानी है, और वो जान और किसी की नहीं बल्कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि की है, जो कि इस वक्त दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पेट में है। और यही चीज हम लोग अश्वत्थामा को दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से कहते हुए भी सुनते हैं कि आपने अपनी कोख में भगवान को स्थान दिया है। डिटेल नंबर एट, दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो माँ होगी कल्कि अवतार की, और इस चीज का कंफर्मेशन हम लोगों को ट्रेलर के इस सीन में मिल जाता है। बुज्जी यहाँ पर भैरवा को बताती है कि 5-स्टार बाउंटी आई है जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। अब ये 5-स्टार बाउंटी और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, और यहीं पे हमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम भी पता चलता है जो कि है सम 80। अब जो सम 80 नाम है वो बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करता है सुमति के, और हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार की जो माता जी होगी उनका नाम होगा सुमति। डिटेल नंबर 9, अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पेट में जो बच्चा है उसका बाप और कोई नहीं बल्कि यास्किन यानी कि कली कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो होगा। अब वो चीज कैसे होगी वो बताता हूँ। तो बुज्जी जब भैरवा को 5-स्टार बाउंटी के बारे में बताती है तो उसी में हम लोगों को जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर पहले इनफर्टाइल था लेकिन अब वो लगभग 5 महीने से प्रेग्नेंट है, और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स के किसी क्लासिफाइड मिशन के लिए। पर्सनली मुझे लगता है कि वो क्लासिफाइड मिशन और कुछ नहीं बल्कि कली के लिए एक नई बॉडी ढूंढना है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के सीन में देखा है कि जो कली यानी कि कमल हसन का कैरेक्टर यास्किन है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा बूढ़ी भी लग रही है, तो इसीलिए उसे आगे जीने के लिए एक नई बॉडी चाहिए होगी। इसीलिए वो कई सारी लड़की और औरतों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो अपने लिए एक नई और कंपेटिबल बॉडी ढूंढ सके, और यही चीज हम लोगों ने कल्कि के टीजर में भी देखी थी जहाँ पर एक ट्रायंगुलर से शेप में कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा हो रहा था। तो ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की है वो क्लासिफाइड मिशन जो कि कॉम्प्लेक्स चला रहा है यास्किन यानी कि कली के लिए एक नई बॉडी ढूंढने के लिए। अब इस थ्योरी के बारे में हम लोग और भी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो। डिटेल नंबर 10, ये जो दोनों बंदे हैं ये और कोई नहीं बल्कि कोका और विकोका है जो कि जनरल है यास्किन के। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो कली होगा उसके दो मेन कमांडर्स होंगे जो कि भाई होंगे कोका और विकोका। अब बस यहाँ पर जैसे मूवी में कली का नाम यास्किन कर दिया गया है वैसे ही इन दोनों का नाम भी कुछ और रखा गया है, उनमें से एक का नाम तो मानस है, दूसरे का नाम क्या है वो अभी हमें पता नहीं चला है। डिटेल नंबर 11, इस सीन में
में हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो अश्वत्थामा है उनकी हाइट बहुत ज्यादा है भैरवा के कंपैरिजन में। प्रभास की जो रियल हाइट है वो लगभग 6 फीट और 3 इंच की है, और अगर हम लोग अश्वत्थामा पर ध्यान दें तो उनकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट तो होगी ही, क्योंकि हमारी हिंदू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहले के जो लोग हुआ करते थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और इवन हम लोग ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अश्वत्थामा को मणि मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मतलब लिटरली उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। डिटेल नंबर 12, ट्रेलर देखने के बाद हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जो भैरवा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, कॉम्प्लेक्स में जाना, और इसीलिए वो 1 मिलियन बाउंटी के लिए अनजाने में कमांडर मानस की मदद करेगा और अश्वत्थामा के अगेंस्ट लड़ेगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा सच्चाई के बारे में तब उसका हृदय परिवर्तन होगा और फिर उसके बाद वो अश्वत्थामा और जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर है उनकी मदद करेगा। डिटेल नंबर 13, भैरवा का जो सूट है उसमें नैनोटेक का यूज हुआ है। हम लोग ट्रेलर में नोटिस कर सकते हैं कि भैरवा जब भी लड़ाई नहीं कर रहा होता है तब उसके हाथों में उसकी स्लीव्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसने आर्मर पहना हुआ होता है। लेकिन जब भी वो कभी लड़ाई करने जाता है या फिर किसी मिशन पर जाता है तो उसके हाथों में फुल स्लीव्स होती है, जो कि देखकर समझ आ रहा है कि नैनोटेक से बनी है। और इवन ट्रेलर के इस सीन में भी हम लोग इन लोगों को नैनोटेक का यूज करते हुए देख सकते हैं। और इवन ये जो सूट है भैरवा का नैनोटेक से बना हुआ, ये भैरवा को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इस सीन में जो भैरवा है वो एक बहुत ही बड़ी सी और मोटी सी चेन सिर्फ एक ही हाथ से फेंक देता है, जो कि सीधे अश्वत्थामा के हाथ में आकर लपेट जाती है। और एक और सीन में जो भैरवा है वो दो बहुत ही हट्टे कट्टे लोगों को एक एक हाथ से पकड़ के रखता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सूट कोई मामूली सूट नहीं है। डिटेल नंबर 14, ट्रेलर में ये जो जगह दिखाई गई है ये है शाम्बाला। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग शाम्बाला ही वो जगह होगी जहाँ पर कल्कि अवतार जन्म लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो अश्वत्थामा है वो इस ट्रक में दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेके शाम्बाला ही जा रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा को पता है कि शाम्बाला के लोग कल्कि अवतार की रक्षा जरूर करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने ट्रेलर और टीजर में देखा है कि जो शाम्बाला के लोग हैं उनके पास अपनी खुद की आर्मी है और वो लोग लड़ रहे हैं कल्कि यानी कि यास्किन की आर्मी से। डिटेल नंबर 15, ट्रेलर के लास्ट सीन में हम लोगों को कमल हसन के कैरेक्टर का पहला लुक देखने को मिलता है। कमल हसन का कैरेक्टर ही मोस्ट प्रोबेबली कल्कि यूनिवर्स का मेन विलन होगा, जिसका नाम है यास्किन। अब अगर हम लोग यास्किन पर ध्यान दें तो हम लोग इसके माथे पर कुछ अंदर से रेड कलर का ग्लो होते हुए देख सकते हैं। और ट्रेलर के एक और सीन में हम लोग मानस के हाथ में एक चीज देख सकते हैं जो कि रेड कलर की ग्लो हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही एनर्जी या फिर चीज होगी जिसने कि अभी तक यास्किन को जिंदा रखे हुए है। तो बस अब वीडियो को यही एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो यास्किन यानी कि कलि है उसी ने कल्कि अवतार को क्रिएट किया है। इसके अलावा कल्कि से रिलेटेड और भी कई सारी चीजों पर बात की है, तो ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करना।